जय जगन्नाथ बंधुगण मुंडली आपण मानको प्रीतिभर नमस्कार जनाउछि एवं कृषि हेल्थ एंड फिटनेस चैनल को स्वागत करुछि। एही वीडियो रे आपण माने गोलमरीचर गुणधर्म कोन से हमर कोन उपकार करथाय ताकु सेवन करिवार विधि अनेक रोग रे आमे तारो किपरि उपयोग करबा केउ उपाय रे ताकु नेबा केते मात्रा नेबा से विषय रे आपण मान तथ्य पाई परिवे। तनो वीडियो को जों स्किप करबेनि आरंभ से सुधा निश्चय देखिबे। आपण जदि मो चैनल रे नुवा अछथि ताहेले मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे पाखरे थ बेल आइकन को दबाई देबे जहा फल रे कि आपण माने मु अपलोड करथवा सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाई। गोलमरीच एमती एक मसला जी कि आम खाद्य स्वाद को बढ़ावा सहित आम शरीर पर बहुत उपकारी सब्यस्त होता है। यह हिंदी में काली मिर्च, ओडिया गोलमरीच, इंग्राजी में ब्लाक पेपर, वैज्ञानिक नाम हो पाइपनिग्राम यहपर कही था। कंचाबेल यह सबुज, पाचिले यह नाली देखा जाए, शुखिला कला देखा जाए। आयुर्वेद शास्त्र में जिते बड़े भी कौन वनस्पति गुणधर्म कथा कह जाए यार रस विपाक बीज मुख्य गुण कौन कौन अच्छी शरीर में बात कफ पित्त यह सब विषय विचार कर आयुर्वेदिक चिकित्सक सबू विषय विचार कर से औषध दे था। एक मुठी उपर जो वीडियो बनई थी से जदि आपन से वीडियो को देखी ना तो जा देखने एथिरे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, सोडियम, पोटासियम भली अनेक पोषक तत्व भरपूर मात्रा थाए। गोलमरीच जब कंचा थाए तार गुणधर्म अलग थाए शुखिला पुणी अलग हो जाए। प्रथम आम जाना कंचा गोलमरीचर गुणधर्म कौन आयुर्वेद शास्त्र में कौन कह तार गुणधर्म विषय यार रस को मधुर बोली कहुई विपाक को मधुर कहुई यार बीर्ज नतीयुष्ण अर्थात बेसी गरम नुहे बेसी थंडा नुहे किंतु यह जिते बड़े सुखी जाए यार गुणधर्म बदली जाए। आसतु एवं आम जाना शुखिला गोलमरीचर गुणधर्म विषय आयुर्वेद शास्त्र में गोलमरीच को एक श्लोक अच्छी। श्लोकटी हूँ मरीचं कटुक तीक्षण दीपन कफ बात जीत उष्ण पीत करम रुक्षम श्वासूल क्रुमिन हरे। यही श्लोक शुखिला गोलमरीचर रस को कटु कहुई कटु अर्थात राग यार विपाक कटु यार बीज उष्ण अर्थात तार स्वभाव गरम बोली कहुई मुख्य गुण लघु एवं तीक्ष्ण कहुई यार दस कफ सामक एवं बात सामक कहुई अर्थात कफ बात जदि बढ़ी जाए यार बालान्स करथाय। एबे आसंतु जानिबा गोलमरीच को आम के रोग किभली भाव में व्यवहार करिपरिबा। गोलमरीच को आम इम्यूनिटी बढ़ावाई उपयोग करें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी प्रचुर मात्रा था जिकि आम इम्यूनिटी को बढ़ेबार साहय करजन कम करमक साइपरीन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा था जिकि आम ओजन को कंट्रोल करें यह आम सुंदरता को बढ़ावर साय एंटीऑक्सीडेंट गुण आम त्वचा को सुस्थ रखे साय डायबिटिस रोगी पाई मध्य एहा बहुत उपकारी सब्यस्त होइथाय। गोलमरीचर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट रहिथाय जेकि रक्तरे ग्लुकोजर मात्रा को कम करिवारे सहायक करथाय। शरीर रे जदि कोनोसी जगह बिंधुछि तो आपण गोलमरीचर पाउडर प्रस्तुत करिवे। गरम पानी रे एही पाउडर मिसाई लेप बनाइबे। एही लेप को आपण बिंधुथवा जगह रे लगाइबे। जदि दांत बिंधुछि ताले गोलमरीच पाउडर को आपण दांत मंजन जे बडी व्यवहार करछन्ते से बडी व्यवहार करिवे देखिबे आपनकु खूब आराम मिलिबो। जे मानंकर भोक होयनि खाइबा पई इच्छा होयनि तो यार पाउडर प्रस्तुत करिवे। 1 ग्राम नेबे से 1 ग्राम पाउडर रे आपण गुआ घी मिसै खाइबे। खाइबार अध घंटा पूर्वरु खाइबे एहा द्वारा आपनकर भोक बढ़िबो खाइबाकु मध्य इच्छा हेबो। जो मानंकर खाद्य ठीक रे हजम होयनि बहुत समय पर्यंत पेट फुली रहे तो सेमाने खाइबा पर गोलमरीच पाउडर नै पारिबे। जो मानकर भोक होनी से माने खाइबा पूर्व नेबे। जो मानकर खाद्य ठीक रे हजम होनी से माने खाइबा पोरे नेबे। जेमिति कि श्लोक रे कह जाय छी क्रुमिन हरेत अर्थात जो मानकर पेट रे क्रुमि होय छी से माने मध्य एहाकु सेवन करि परिबे। जो मानकर सब बेले ठंडा सर्दी लागि रहू छी कफ जमि रहू छी मुंडो बिंधु छी से माने मध्य एहाकु सेवन करि परिबे। 1 ग्राम मात्रा रे महु सहित से माने नेबे। महु कफ को पतरा करथाय। गोलमरीच कफ निस्तारक अटे एक कथा आपण माने समस्त जानिछंती। कौन से स्त्री लोकर जदि ऋतुस्राव समय पेट काटुची तो गोलमरीच पाउडर 1 ग्राम नेबे ताकु उषुम पानी सहित खाइबे। आपणकर जदि चुट्टी उपुड़ुची तो पियाज लुण गोलमरीच को बाटी लेप प्रस्तुत करिबे। एही लेप को आपण चुट्टी उठुथवा जगार लगाइबे 1 घंटा पर धोई नेबे देखिबे आपणकर ए समस्याटी बहुत शीघ्र दूर होइ जिवो। गोलमरीच को किसमिश सहित सेवन कले ब्लड प्रेशर समस्या कंट्रोल होता है। जो मानकर गड़ा बसी जा शुखिला काश होने गोलमरीच पाउडर प्रस्तुत करेंगे। 1 ग्राम पाउडर नेबे से आपड़ गुआ घी मिसाई सेवन करेंगे देखिए आपणकर गड़ा ठीक हो आसतु जाना गोलमरीच को क्यों मैंने सेवन करें क्यों सेवन करवा उचित नुहे। जार आंतरे घा होता है शरीर जड़ापोड़ा होता है झाड़ अधिक बाहर थाए अर्स थाए
नाकरु रक्त बाहर थाए तो से यह सेवन करने जमा भी उचित नुहे। जार पित्तदोष बढ़ी था से भी देखी चाहे यहाँ सेवन करवा उचित। ग्रीष्म काल में बहुत कम सेवन करवा उचित, अधिक जमा भी सेवन करवा उचित नुहे। बंधुगण आम समस्त घरे गोलमरीच रही तार व्यवहार आम करे कि व्यवहार प्रणाली को टी आम बदल आम अधिक लाभवान होगा। आशा करुच्ची मो भिड आपण भल लगे, जदि भल लगे लाइक करूँ, सेयार करूँ, कमेंट करूँ। रोची धन्यवाद।